हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अभी देखिए तुरंत लेटेस्ट में ही यूपी ट्रिपल एससी लैब टेक्नीशियन का इंटरव्यू डेट आ गया है, और ये कब से कब तक है इंटरव्यू डेट, तो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, साक्षात्कार की तैयारी, आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए ऑफिशियल साइट पे पहले जाते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं, जिससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऑफिशियल साइट पर जाते हैं। पहले ऑफिशियल साइट पर देखिए, ये तो रिजल्ट का नोटिस आया हुआ है, नोटिस नंबर टू जो देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम नोटिस नंबर वन खोल लेते हैं। नोटिस नंबर वन देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है जो कि 2 तारीख तक ही सिर्फ शो करेगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक किए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये नोटिस खुल कर आया है। तो यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है कि ये नोटिस 10 जनवरी को, मतलब कि आज की डेट में ही अभी तुरंत आई है, कुछ देर पहले। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आयोग के विज्ञापन संख्या इतना 17/2016 द्वारा सम्मिलित प्रयोगशाला प्राविधिक व लैब टेक्नीशियन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित कुल 921 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुआ था, जिसमें सिर्फ इतने 3494 अभ्यर्थियों को ही पास किया गया है। मतलब कि इतने लोग पास हुए हैं, जिनका चयन परिणाम सूचना संख्या इतने 221 कंप्यूटर अनुभाग इतने के तहत घोषित किया गया है, जो कि 7 जनवरी के दिन आपका रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को एते द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निम्नलिखित सारणी के अनुसार 17/1/17 जनवरी से आपका इंटरव्यू स्टार्ट है, और जो कि 2 जनवरी 2019 तक प्रातः 9:30 बजे से आपका स्टार्ट होगा, और 2 फरवरी तक ही आपका इंटरव्यू चलेगा। ठीक है, जो कि पिकअप भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, इस तरह से आपका डेट दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए डेट दिया हुआ है आपका 1 तारीख पहला जो है 17 तारीख से स्टार्ट है, 9:30 बजे से आपको 250 लड़कों को, मतलब कि 250 स्टूडेंट लोग को बुलाया गया है वहाँ पर, जो कि 2 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद देखिए अभी यहाँ मैं आप सबको इसके बाद बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है। तो पहले आप ये देख लें कि क्या करना है, इसके लिए आवश्यक क्या है। प्रश्नगत परीक्षा में साक्षात्कार हेतु अहर पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पूर्व उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य व ओबीसी 60 रुपये व एससी एसटी का 20 रुपये के अनुसार ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क जमा करना होगा। तो आपका इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपको जो ओबीसी के हैं और सामान्य के हैं, उन लोगों को 60 रुपये का एक इंटरव्यू लेटर के लिए आपको फीस पेमेंट करना होगा, जो कि इंटरव्यू के लिए पेमेंट है, और एससी एसटी के लिए 20 रुपये का इंटरव्यू के लिए पेमेंट करना होगा। तो इसमें ये सबसे ज़रूरी बात है। और इसके बाद देखिए क्या है, इसके लिए अभ्यर्थी को एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड इंटरव्यू लेटर ओनली एग्जामिनेशन मोड के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व जेंडर भरकर डाउनलोड इंटरव्यू लेटर पर क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन फी पेमेंट मॉड्यूल में वांछित अंकित कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। ठीक है, और इसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तभी आगे की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। और जैसा कि सूचना के साथ संलग्न प्रपत्रों में दिया गया है, साक्षात्कार शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र व अन्य प्रपत्र डाउनलोड कर सकेगा। ठीक है, और उक्त साक्षात्कार से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में एते द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति के साथ ही डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ 4 प्रपत्र दिए जाएंगे, उसमें 4ों को आपको भरना है और अपने इंटरव्यू में निर्धारित समय से उपस्थित होना है। और इसमें एक चीज़ मैं ये बात आप सबको बताने वाला हूँ कि जो कि अगर आप लोग इंटरव्यू फॉर्म भरने में आप लोगों को परेशानी होगी, तो परेशानी जो भी होगी उसके बारे में आप हमें बताएं। आप अपना फॉर्म हमें सेंड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप फॉर्म मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपका फॉर्म को भर दूँगा और आपको बता दूँगा कि किस तरह से इंटरव्यू का फॉर्म भरना है। और इसके बाद इंटरव्यू की रही बात तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर जो भी वीडियो है
आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस पर UP SSSC का जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का या जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू हुआ है उन सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। तो इस तरह से आप वहाँ से एक बार जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको एक बेस पता चल जाए कि किस बेस पर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो और उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप लोगों को प्री इंटरव्यू से पहले जो भी तैयारी करानी होगी वो मैं सब आप लोगों को करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से या नहीं। तो तैयारी करना होगा तो इंटरव्यू से पहले संभावित क्वेश्चंस आंसर जो भी हैं या फिर किस तरह से तैयारी की जाएगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।